नूरपुर में हुए बस हादसे के चलते पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला में कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि हमीरपुर गांधी चौक पर आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन कर युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजुमो के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान करके पुण्य के कार्य में योगदान दिया। वहीं जिला महिला मोर्चा की कई महिलाओं ने भी रक्तदान किया। जिला भाजुमो अध्यक्ष अभिवीर लवली ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के जन्मदिन को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी, लेकिन नूरपुर हादसे के कारण बाकी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के लिए सूचना दिए जाने के चलते रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज 10 अप्रैल को माननीय धूमल जी का जन्मदिवस पूरा युवा मोर्चा, प्रदेश का पूरा युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। लेकिन कल नूरपुर में जो हादसा हुआ उसकी वजह से जो जिला में प्रोग्राम रखे थे, हमने मिठाइयों के भंडारे थे, खाने के भंडारे थे, उसे कैंसिल करने पड़े। मगर रक्तदान शिविर जो है उसे हम टाल नहीं सके, क्योंकि हमने इस चीज़ की तैयारी हमने काफ़ी दिनों से की हुई थी। और रक्तदान शिविर जो है लोगों को, जो गरीब लोग हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार खून की कमी पाई जाती है, तो इसलिए हमने ये रक्तदान शिविर रखा क्योंकि ये धूमल जी का जन्मदिवस भी है और इससे लोगों को फायदा भी पहुंचेगा। वहीं मीडिया प्रभारी विकास ने नूरपुर में बस हादसे में मारे गए बच्चों के प्रति दुख व संवेदना प्रकट की और कहा कि इसी के चलते मिठाइयां बांटने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में युवाओं में काफी उत्साह देखा गया है। सर, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से कल जो एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ उसका बहुत ही गहरा दुख प्रकट करता हूँ। और उसके कारण जो हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है, इसको हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने बाकी अन्य प्रोग्राम जो हैं, मिठाई बांटने वाला और अन्य जो प्रोग्राम थे हमारे, वो हमने कैंसिल कर दिए हैं। धूमल जी खुद वहाँ पे आज सुबह ही निकल चुके हैं हादसे के लिए, पर फिर भी हमने ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है जिसमें युवाओं में काफ़ी उत्साह है रक्तदान के लिए, क्योंकि ये रक्तदान किसी न किसी की ज़िंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार उस हादसे की बहुत दुख प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।